गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आया हूँ आज, फिर मैं उपस्थित हूँ आप सभी को अपना परसेंटेज के पार्ट थर्ड में। कहा जाता है कि अभी न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। अभी न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना कभी हारे थे ना कभी हारेंगे, किसी और से नहीं यार, ये खुद से मैंने वादा किया है। तो चलिए आइए आते हैं अपने प्रश्न पे। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए कि उस वस्तु पर लगने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर क्वेश्चन में 65 कमी दिया हुआ है, इसका मतलब आप मान लेंगे कि पहले 100 था, अब 20% की कमी हो गई, इसका मतलब 80 हो गया। कितने पैसा से बढ़ा दिया जाए, बढ़ाना है तो कमी कितने की है, 20 की। बढ़ाना है किससे, 80 से अब बढ़ाना है, तो जिससे तुलना किया जाए मैंने बताया था कि उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट आप निकालिए 20 100 से 80, यानी कि 25% की वृद्धि होगी। कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 25% की वृद्धि। यह हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड देखिए, वही ट्रिकी वाला मेथड। जैसे मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में आपको, 20% की कमी यानी कमी दिया हुआ है, तो हमसे पूछेगा क्या, वृद्धि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि पूछेगा कितना बढ़ाया जाए, तो कमी प्रतिशत दिया हुआ है तो कमी प्रतिशत को लिखिए, और कमी दिया है तो 100 में से घटा लीजिए। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा 20, ये 80 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से 4 से, यानी आ जाएगा आपका 25%। तीसरा मेथड देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम तीसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। तीसरा मेथड हमारा क्या बनेगा, तो तीसरा मेथड होगा अपने मेथड थर्ड पे। मेथड थर्ड क्या होगा, मूल्य गुणे उस वस्तु की खपत कितनी होती है, और उसी के आधार पे हमारा खर्च निकलेगा कि उसके लिए हम कितना खर्च करते हैं या कितना व्यय करते हैं। मूल्य मान लीजिएगा 100, खपत भी मान लीजिए 100 kg का करते हैं, तो खर्च कितना होगा, 10,000 करना पड़ता है, पहले करना पड़ता था। अब इसमें कमी हो गई कितना, 20% की, तो खपत कितना होगा, ये केजी हमको निकालना है। और कह रहा है कि खर्च पूर्ववत रह रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब 0% का इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये कितना हो गया, 80 और एक्स के जी, और ये हो जाएगा आपका, जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब खर्च अभी भी वो व्यक्ति उतना ही कर रहा है, इसका मतलब 10,000 भी कर रहा है। एक्स के जी का मान निकालेंगे, 0 0, फिर आपका हो जाएगा 1000 और आपका 8, ये आएगा 125 kg। तो पहले वह 100 kg करता था, अब कितना कर रहा है, 125, यानी कितने की खर्च में अंतर पड़ा, 125 माइनस 100, ये हो जाएगा 25 kg का। इसके बाद से देखिएगा, मेथड फोर भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपका ट्रिकी मेथड है। मेथड फोर में क्या हो जाएगा, तो देखिए आप यूज कर सकते हैं प्लस माइनस ए, ये आपको खर्च को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद प्लस माइनस एक्स मान लीजिएगा, यह आपके मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा, कितना कमी हो रहा है। उसके बाद से प्लस माइनस वाई मान लीजिएगा, जो कि इसके खपत में कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, यानी मूल्य कम हो रहा है तो खपत कितना बढ़ेगा और खर्च में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी वाले से। तो प्लस माइनस ए यहाँ पर, प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस वाई यहाँ पर, प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह के द्वारा, यहाँ पर वृद्धि कितना होगा ज्ञात करना है, और दोनों का गुणनफल माइनस हो जाएगा, यानी 20 वाई ये हो जाएगा 100।
और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा आपका जीरो। 20 इधर आएगा, प्लस हो गया, यानी y यहाँ से 20 25 100 हो गया, यानी कि y बाई 5 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4y बाई 5, ये हो गया 20, 4 से 4 5 जा और y इक्वल टू हो गया 25 kg। हाँ, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना, अगर परसेंटेज दिया है तो हमें उस परीक्षा का कुल कितना पूर्णांक था ये ज्ञात करना हो, तो उसके लिए आपका प्रश्न है। इसमें देखिएगा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% सॉरी अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 90 अंक अधिक प्राप्त होता है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त होता है और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो देखिए, यहाँ पर 65% अंक प्राप्त कर रहा है, 65% अंक प्राप्त करता है, और वो उत्तीर्णांक से 90 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब कि पहले हम परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालेंगे, कितना नंबर तक पाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी पास होने का न्यूनतम प्रतिशत। तो जो 90 अंक अधिक है 65% उत्तीर्णांक से, उस 90 को कम कर देंगे, तो पास होने का प्रतिशत इसका पता चल गया। अब दूसरे वाले विद्यार्थी के पास होने का प्रतिशत, वह जो है 28% अंक प्राप्त कर रहा है और 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, इसको 21 अंक और मिल जाता तो यह भी पास हो जाता। दोनों के पास पास का तुलना हो गया और परसेंटेज को एक साथ, यानी 65 ये माइन आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको उधर भेजिए तो 90 प्लस 21 ये हो जाएगा 111, और इसको डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 37% बराबर 111। तो 100% इसका पूर्णांक निकलेगा, कितना हो जाएगा 111/37 तीन बार में, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 300, यानी परीक्षा का पूर्णांक हमारा कितना निकल गया 300। हाँ, देखिएगा अब इसका मेथड 2 से, मेथड 2 आपका ट्रिक यहीं से बनता है, यानी कि जहाँ पर 100% निकालना है पूर्णांक, तो यहाँ पर देखिएगा 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यदि अंक एक विद्यार्थी उत्तीर्णांक से अधिक पाता है और दूसरा विद्यार्थी उत्तीर्णांक से कम नंबर पाता है, तो जब अधिक और कम होगा तो इन दोनों अंकों का हम योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे। इसका मतलब कि जो भी ए प्लस बी अंक पाए हैं उस स्थिति में अंकों का योग होगा, और नीचे आपका प्रतिशत का हमेशा अंतर, जैसे यहाँ पर 65 में से 28% घटाया गया है तो प्रतिशत का यहाँ पर अंतर निकलेगा, यानी प्रतिशत एक का 100 और दूसरे का y होगा, तो ये इसका अंतर निकलेगा प्रतिशत का। ये आपका मेथड 2 का ट्रिक होगा, यानी कि और ट्रिक बनी कहाँ से है, देखिए यही वाली लाइन से, यहीं से आपका ये ट्रिक हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 100 और दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी कि 90 और प्लस 21, और नीचे आपका दोनों का डिफरेंस यानी कितना 65 माइनस 28 परसेंटेज का डिफरेंस, ये हो जाएगा 100 111 और ये हो जाएगा 37 तीन बार में, और यहाँ पर हो जाएगा 300, ये इसका 100% पूर्णांक आ गया 300। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको समझना यहाँ पर मुख्य है कि इस वाले क्वेश्चन में एक का अंक उत्तीर्णांक से अधिक पाया है, जितना परसेंटेज था उससे अधिक पाया है, और एक उत्तीर्णांक के परसेंटेज से एक किस अंक कम पाया है उससे, जिसके कारण से वो अनुत्तीर्ण हो गया है। तो एक का कम और एक का अधिक हो तब दोनों का योग करेंगे, और यदि दोनों ही स्थिति में कम का परसेंटेज दिया हो तो यहाँ पर माइनस करेंगे, दोनों ही स्थिति में अधिक का परसेंटेज दिया, अधिक अंक दिया हो कि पास होने के पश्चात से इतना परसेंट अधिक प्राप्त करता है और दूसरा भी पास होने के इतना प्राप्त करने के बाद इतना भी अधिक प्राप्त करता है, तो दोनों अधिक दिया हो तो यो यहाँ पे अंतर करेंगे, दोनों का कमी दिया हो तो अंतर करेंगे, और एक का कम एक का अधिक दिया हो तो दोनों का योग करेंगे। हाँ, देखिएगा उसी पर आधारित दूसरा प्रश्न हमारा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 72% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 160 अंक अधिक मिलते हैं, दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 53% अंक प्राप्त होता है और उसे भी उत्तीर्णांक से 65 अंक अधिक, जैसा कि मैंने बताया था दोनों ही अधिक परसेंट दिया हुआ है, तो आप वैसे
पहले वाले मेथड से, मेथड वन से, कैसे 72% प्राप्त होता है और कितना अंक अधिक है, 160 अंक अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब 160 इसमें से कम कर दिया जाए तो पूर्णांक इसके पास का निकल जाएगा कितना प्रतिशत न्यूनतम। दूसरा वाला 53% अंक प्राप्त करता है और उसका भी 65 अंक अधिक है, इसका मतलब इसके भी 65 नंबर कम कर दिया जाए तो इसके जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक का परसेंट निकल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 72-53% और ये हो जाएगा 160-65, ये हो जाएगा माइनस करेंगे 95, स्क्वायर डिफरेंस निकालेंगे ये हो जाएगा 19%। तो 19% बराबर 95, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 500, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 500 था। हाँ, इसके बाद से देखिएगा मेथड टू। मेथड टू में जैसा मैंने बताया था कि पूर्णांक ज्ञात करेंगे 100%, तो 100 का गुणा करेंगे और इसमें दोनों ही अधिक परसेंट दिया हुआ है, यानी ये 160 अंक अधिक प्राप्त करता है न्यूनतम उत्तीर्णांक के परसेंट से और ये 65 अंक अधिक प्राप्त करता है। दोनों का अधिक है तो मैंने बताया था अंतर निकालिएगा, यानी कि 160 माइनस यहाँ पर 65, और परसेंटेज का तो अंतर नीचे निकलेगा ही। इसका मतलब कि 72 और -53% ये हो जाएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा 100, ये आपका 95 और ये आपका 90, 5 बार में, और 100 का गुणा 500, यानी इस परीक्षा का पूर्णांक कहा गया कितना, 500। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 18% अंक प्राप्त होता है और वह 34 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों ही अनुत्तीर्ण का परसेंटेज दिया हुआ है, तो पहले हम उत्तीर्ण का न्यूनतम प्रतिशत निकाल लेते हैं कितना। तो यह 25% अंक पाया और कितना से अनुत्तीर्ण हुआ, 20, यानी इसका मतलब कि इसको 20 नंबर और में प्राप्त हो गया होता तो पास हो गया होता। दूसरे वाले विद्यार्थी को 18% मिलता है, यानी इसको कितने से फेल होता है, 34 से, इसका मतलब 34 इसको और मिल गया होता तो ये भी पास हो गया होता। दोनों के पास पास का तुलना हो गया। अब परसेंटेज को डिफरेंस निकाल लीजिए, 25 में से 18 ये आप घटा लीजिएगा कितना, 7%, और 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 34-20 कितना हो जाएगा, 14 बचा, यानी 7% बराबर 14, तो 7 × 14, तो 100% बराबर कितना, तो 100 का इधर भी गुणा हो जाएगा, इसका मतलब 100% बराबर 200। उस परीक्षा का पूरा कितना है, 200 नंबर का। अब मेथड टू आ जाइए। मेथड टू में देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको तीनों टाइप का, पहला टाइप मैंने बताया दोनों एक कम एक अधिक पाए हों अंक, दूसरे का दोनों ही आपका अधिक अंक था और इसमें दोनों ही कम नंबर पाए हैं, तब स्थिति में पूर्णांक ज्ञात करने के, जैसा कि मैंने बताया 100 का सॉरी 100 का मल्टीप्लाई और दोनों आपका सेम है, इसका मतलब कि दोनों ही कम परसेंट दिया है तो इसका अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालने के लिए 34-20 हो जाएगा और प्रतिशत का अंतर आपका इससे घटा लीजिएगा, यानी 25-18%, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 14, और इसका अंतर निकलेगा 7, 7 × 14, 2 से 100 में मल्टीप्लाई 200, यानी इस परीक्षा का पूर्णांक टोटल हो गया 200 नंबर का। हाँ, देखिएगा चौथे टाइप का क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक का परसेंट दिया हुआ है कितना, तो 40% है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक का परसेंटेज बराबर 40 है, जो हम लोगों ने हर बार ज्ञात कर किया था। उस परीक्षा में एक विद्यार्थी को 253 अंक प्राप्त होते हैं और वो 27 अंकों से क्या, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, इसका मतलब फेल हुआ था, यानी कि 253 अंक प्राप्त करता है और 40% पाने के लिए कितने की और कमी है, 27 का, यानी 27 इसको और मिल जाए तब ये 40% मिल जाएगा, तब ये विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसका मतलब 40% बराबर कितना के हो रहा है, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 10, ये 8, यानी कि 280 अंक, यानी 40% बराबर 280 अंक, 0 से 0, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया, 7 के, तो 100% बराबर किसके, 700 अंक है, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, टोटल 700 का है। और दूसरा मेथड टू इसको लगाएंगे तो डायरेक्ट जिस तरह से पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 100 का, अब देखिए यहाँ पर 253 अंक प्राप्त करता है, कितने की कमी है, 27 की, तो इसको
ऐड कर लीजिए, और इसके बाद से इसका न्यूनतम प्रतिशत कितना है, न्यूनतम परसेंट आपका 40% का है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 × 280 और ये आपका 40, 00 4 7 28, 7 का 100 में मल्टीप्लाई कीजिए, 700। इसका मतलब कि जो टोटल हमारा पूर्णांक है उस परीक्षा का 700 अंकों का है। हाँ, देखिएगा पांचवे टाइप का इस पर बनने वाले प्रश्न है। एक परीक्षा में ए को 20 से 40% अंक, बी को सी से 25% तथा सी को डी से 10% अधिक अंक प्राप्त होता है। यदि डी को 500 में से 300 अंक प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात कीजिए ए को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो पहले तो ए बी सी डी चारों को लिख लीजिए। यहाँ पर डी का दिया है 500 में से 300 अंक प्राप्त होता है, तो डी के बारे में पता है ना, 500 में से 300, तो डी का अंक। अब देखिए डी से सी के तरफ चलिए, यहाँ से देख लेकर चलते हैं, सी को डी से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, इसका मतलब इसका 110/100 हो जाएगा। इसके बाद सी का निकल गया, अब बी और सी में क्या संबंध है, तो बी को इस सी से 25% कम मिलता है, इसका मतलब क्या, 75/100 इसको मिलता है। बी का निकल गया, ए को बी से 40% अधिक अंक मिलते हैं, तो ये हो जाएगा यह 140/100। ये अब लास्ट में किसका मान आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करिएगा, 25 × 75, 25 × 100, 0 से 0 कर लीजिएगा, फिर 1 0 से 1 0 कर लीजिएगा इसको, और लास्ट में काटने के बाद यहाँ से 2 2 7 14, फिर आपका अब आ जाएगा लास्ट में 1 2 2 0 से 2 0, सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 7 × 11 × 3 × 3/2, यहाँ पर ये बचा हुआ है, सो हो जाएगा 6 9 3/2। इसको आप और एक लाइन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 4 6.5। ये हो गया इतना अंक प्राप्त करता है, यानी कि 346.5। अब हमको क्या ए का प्रतिशत पूछा है, कितना परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना हमने प्राप्तांक हमारा कितना है 46.5, टोटल आपका पूर्णांक कितना है 500, और गुणे 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, ये 2 0 कैंसिल, 5 से आपका 5 6 30 हो जाएगा, और 45 हो गया, और 5 3 जा 50, यानी कि टोटल आपका 69.3%। हाँ, तो देखा आपने दोस्तों कि परीक्षा के पूर्णांक पर आधारित मैंने आपको 5 टाइप का प्रश्न बताया। इसी से जुड़ा हुआ अभी आपको वेन डायग्राम का कल मैं आपको वीडियो उसको जो है बनाऊंगा, जिसमें जो है आपको दो विषय पर आधारित, और विषय में आपको पहले वाले विषय में पास, पहले वाले विषय में उत्तीर्ण, फिर दोनों में उत्तीर्ण, फिर अनुत्तीर्ण, एक विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, पूरा इस प्रकार का एक क्वेश्चन में एक डायग्राम में आपको 15 प्रकार का प्रश्न बनेगा, जिससे किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके अलावा इसमें और बच रहा है चुनाव प्रचार पर आधारित पर, जो कि आपको 5 टाइप का प्रश्न उस पर करवाएंगे, चुनाव प्रचार भी चाहे जैसे भी तरीका से पूछा जाए आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको परसेंटेज में इम्पोर्टेंट आपका, जैसे आप आपके वर्ग वर्ग पर, घन पर, उसके क्षेत्रफल, घन में आपका चूंकि 3D आकृति होती है तो उसका आयतन निकलता है, आयतन का परसेंटेज, उसके अलावा त्रिभुज का, फिर घन घनाभ, ये सारे जो है उस पर भी आधारित आपको प्रश्न करवाएंगे, शंकु पर भी, गोला पर भी, उसके सॉरी उसके आयतन में कैसे परिवर्तन होता है, उसके सारे परसेंटेज में यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न भी हम लोग करेंगे। तो इतना सारा आप वीडियो में आपको बिल्कुल आप सारा पॉइंट टू पॉइंट ये पूरा हमारा वीडियो देख लेते हैं तो परसेंटेज का कोई ऐसा टाइप नहीं रह जाएगा जो कि आप एग्जाम में आप उसको छोड़ के आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना तो आपको लाइक बनता है, तो आप लाइक करिए, से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।